Assalamu alaikum friends, आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ये कपड़े पे वाल मेट बनाते हैं फैब्रिक पेंट से। सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से कपड़े पे ब्लैक कपड़े पे ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें क्योंकि हमको इसमें मिक्सिंग करना है इसलिए हम इसमें सबसे पहले तो वाइट कलर से वाइट कलर से इस पूरे फ्लावर को जितना भी मैंने ड्रॉ कर रखा है इसको हम वाइट से पूरा फिल कर देंगे जहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी। जैसे ये बीच में लकीर है इतना सी जगह हम छोड़ देंगे जहाँ पे हम इस पर ब्लैक कलर से आउटलाइन करेंगे तो ये देखने में बहुत खूबसूरत दिखेगा। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सबसे पहले इसमें वाइट करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पहले से ही थोड़ा सा करके रखा है, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। जैसे मैंने जैसे ये किया है बिल्कुल भी मेरा कहीं से भी ये ब्लैक जो कपड़ा है कहीं से भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल स्मूथ किया है ताकि हमको मिक्सिंग करने में आसानी हो। देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है ताकि ये मिक्सिंग जब हो तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मैंने वो दिखाया था कि ये लकीर है जो लकीर को छोड़ना है उस तरह से मैंने इन सब कैप को इस तरह से ही छोड़ा है, फ्लावर में भी इसी तरह से छोड़ा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आगे कैसे इसमें फिल करना है। सबसे पहले तो हमको इस तरह का एक फ्रेम चाहिए होगा, देख रहे हैं आप ये फ्रेम चाहिए होगा। और चूंकि ये बड़ा फ्लावर है उसके लिए मैंने ये दो नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ किया है। अब थोड़ा सा पानी रख लें, जब ये ज़्यादा हो जाए ओवर तो हम इसको इसमें धो लेंगे ताकि हमारा जो ब्रश का नीडल है ये ब्रिसल्स ये ख़राब ना हो। इसको जब हमारा काम हो जाए तो इसको हम इस तरह से ओवरनाइट इस पानी में छोड़ देंगे और एक कॉटन का कपड़ा अलग से रखें। जब इसमें ओवर उठ जाए तो आपको अगर लगे कि नहीं इसको हमको ज़्यादा लग जा रहा है इधर उधर लगने का डर है तो आप कॉटन वाले कपड़े से इसको साफ़ कर लें ब्रस को। चलिए तो दिखाते हैं कैसे इसको कलर करना है। कि फ्रेंड्स, जब भी हम इसको बनाएंगे तो इस कैप में जो कलर आ जाता है वो हम उसको ही यूज़ करेंगे क्योंकि अगर बोतल से डायरेक्टली अगर हम लेते हैं तो वो उसमें ज़्यादा आ जाता है और ब्रश में ज़्यादा लग जाएगा तो हमको बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम हमेशा इस कैप से ही यूज़ करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम इसको बनाएंगे तो डबल कोटिंग करेंगे। एक जब हम कर ले तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल किया है तो ये ब्लैक जो कपड़ा है ये यहाँ थोड़ा ऊपर से वाइट के ऊपर से भी दिख रहा है, बट यहाँ देखिए मैंने इसमें डबल कोटिंग की है तो यहाँ पे वो ब्लैक नहीं दिख रहा है। इसमें मिक्सिंग बहुत अच्छा होगा बट इसमें इतना ज़्यादा सुंदर नहीं दिखेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप बनाएं तो डबल कोटिंग करें तो फ्लावर आपका हो कुछ भी हो वो बहुत सुंदर दिखेगा, तो इसमें डबल कोटिंग की ज़रूरत है। को अच्छे से मिला लें, कहीं पे भी वो जो ब्रश का स्ट्रोक का निशान लग जाता है तो उससे भी ये अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल स्मूथ कर ले पैटर्न को, बिल्कुल स्मूथ। देखिए फ्रेंड्स, वो जो ब्लैक स्पॉट था अब इसमें वो छुप गया है। इस तरह से हम जो बाकी मेरा ने पहले से जो बना रखा था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ क्या प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने वो पहले से कर रखा था ताकि ये डबल कोटिंग वाला मामला दिखा दूँ। भी ख़त्म हो जाए तो दोबारा से हम इसमें इसको बंद करके अगर ऐसे पलट कर रख दें तो वो फिर कलर वापस आ जाएगा।
उसमें दिखा रही हूँ। ये जो छोटी वाली उंगली है इसको हम ऐसा इस तरह से पॉइंट करेंगे तो आपका स्ट्रोक मिक्सिंग सब बहुत अच्छे से आएगा। तो पॉइंट करके बिल्कुल अच्छे से फिल कर लेंगे। बर्तन को बिल्कुल फ्लैट कर लें, थोड़ा सा भी ये चुमा चुमा जो टाइप है वो ना रह जाए। फैब्रिक कलर जो होता है इसको आप कभी भी पंखे के सामने ना रखें वरना ये बहुत जल्दी सूख जाता है। और हाँ, अगर बहुत दिन हो गए आपके आपका कलर रखा हुआ है जो तो सूख गया है तो आप इसको वेस्ट समझकर फेंक ना दें। जो ये फैब्रिक कलर होता है इसको फिर से उसी की वापस वाली शक्ल में लाने के लिए मीडियम वन एक सोल्यूशन मिलता है जो आप इसको वापस उसमें डालकर इसको बिल्कुल पतले वाली पहले वाली शक्ल में जो बिल्कुल ये पतला सा होता है कलर वैसा हो जाता है। तो आप इसको वेस्ट ना समझे, मीडियम वन इसमें आप डाल करके इसे यूज़ कर सकते हैं। जो डस्ट कलर होता है उसमें मीडियम टू डाला जाता है और ये फैब्रिक कलर में मीडियम वन। इसको इस तरह से आप फिल कर लें और जब ये सूख जाए तो इसमें आप डबल कोटिंग करना ना भूलें।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से जो हमारा बाकी का जितना भी मैंने ड्रॉ किया है, इसको मैंने जो मैंने स्टैक किया है इसको सारे इसी तरह से मैं कवर करूँगी। ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए धीरे धीरे करना है। आप भी फ़िलहाल तो बनाएं, फिर मैं आपको इसका जो मिक्सिंग कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊँगी। तब तक के लिए टाटा।